नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आपको विशेष रूप से एक आदेश से संडे था और संडे के ऊपर अपने टूर पर जा रहे हैं, तो आज आपको बीकानेर का पूरा भ्रमण करवाने वाले हैं, यानी सभी चीजों के ऊपर अपने आज आपको दिखाने वाले हैं। तो फिर देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ में हैं ओआरदार साहब, हंसराज जी सर और सूरज जी सर, राव सर और संदीप जी सर। बिल्कुल सर, बताइए। और हमारे साथ में जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं वो धीरज कुमार जी, इनको बारी बारी से हम दिखाते रहेंगे। तो अब हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, हम यहाँ से यात्रा देशनौ के लिए गए। तो देखिए साथियों, हम बीकानेर से अभी रवाना हो चुके हैं देशनौ के लिए। तो पूरे की पूरी जो टीम है जिसमें हंसराज जी आपको आगे लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ कह रहे बागड़ी बीन का बाप कौन है, हाज है हंसराज जी, हमारा बीन का बाप है, बीन का बाप हंसराज जी। और हमारे साथ है ओआर जाट, और उसके साथ में है संदीप सर, गजानंद जी सर को भी, गजानंद जी सर, और उसके साथ साथ में धीरज कुमार भैया, सभी साथी हैं। पूरा आनंद यहाँ पे होने वाला है और हम आपको वहाँ पे देश नौ पर। हम पहुंच चुके हैं अभी देशनोक मंदिर, और हंसराज जी यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे जो पूरा बाजार है सजा हुआ है, और ये हमारा जो मुख्य मंदिर, देखिएगा पूरा जो यहाँ पे है साथी गण है सब के सब यहाँ पे, देखिएगा। गेट के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ में गजानंद जी पूरी टीम, और गजानंद जी क्योंकि इतिहास विशेषज्ञ है तो आपको इनके जो मुख्य द्वार है, इनके गेट है, उनके बारे में आपको बताने वाले, क्या बताओगे सर, बताओ। एक तो ये मुख्य गेट हो गया, यानी तो बड़ा ही शानदार तरीके से नकाशीदार तरीके से बनाया गया, और उसके अंदर जो अंदर वाला गेट है वो चांदी का बनाया हुआ है, दुर्गा सिंह ने पेंट किया। उसके अलावा जो ये दूसरा गेट है, ये दूसरा गेट किले लगाए गए, मुझे दिखाना वो किले जरूर दिखाना, वो किले इसलिए लगाए गए उस समय वास्तविक होता था ना, तो हाथी से क्या होते थे टक्कर लगवाई, उसकी वजह से हाथी से आगे से टक्कर लगा था, यानी जब हाथी उसके टक्कर लगाएगा तो सबसे घायल हो जाएगा, इसके लिए वो किले लगाए जाते थे। ये दूसरा गेट, बाकी आगे चले
साथियों, अब हमें देशनोक माता करणी के दर्शन करने के बाद में अब हम कोलायत की ओर रवाना हो चुके हैं, तो पूरा का दृश्य देखिएगा आप आगे। झील है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमने वो जो पूरा भ्रमण है वो कर लिया है और कुछ आपको जो फिक्स के माध्यम से भी दिखा दिया जाएगा। और इस साइड में यहाँ पे कपिल मुनि जी का जो मंदिर है वो है। आप इस तरीके से पूरा का पूरा जो दृश्य देख रहे हो, ये पूरा जो दृश्य है वो झील का दृश्य है और आपको शानदार तरीके से हमने दर्शन करवा दिया है। बाकी साथी भी हमारे यहाँ पे खड़े हैं, खूब आनंद आ रहा है साथियों। बहुत मजा आया रियल में। ये जो ब्लॉग है, देखो इस ब्लॉग में सारा कुछ दिखाया है। कोई भी आपको ऐसा लगे कि वो चीज नहीं दिखाई है, कमेंट आप यहाँ के हो तो वो सब आप बताओगे कमेंट के माध्यम से। तो देखिए साथियों, हम कोलायत झील के दर्शन करने के बाद में, अच्छा सा भ्रमण करने के बाद में, अब पहुंचे हैं एक होटल में जहाँ पर अपने करने वाले जिसमें रसमलाई होगी मीठे में और उसके साथ साथ सबके लिए मिर्ची बड़ा होगा और उसके बाद में अपने चाय पीने वाले हैं रसमलाई। तो सारे के सारे व्यस्त है खाने में, भूख लगी हुई है। हाँ, सारा व्यस्त लाग रहा है। मैंने कहा ब्लॉग बना दूं मैं, क्यों भाई यार ठेको ले रहा है क्यों दारगनो। चलो कोई बात नहीं, अब मिलेंगे आगे, कभी नेक्स्ट रुकेंगे तब, और नहीं तो सीधा बीकानेर चलेंगे।